हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए रियलमी 2 प्रो, जिसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका फोल्डर डैमेज है, दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इसका फोल्डर चेंज करना है। फोल्डर चेंज कैसे करेंगे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या करना है दोस्तों। अगर आपके पास सेपरेटर है तो सेपरेटर, नहीं तो हॉटगन की सहायता से दोस्तों ये पीछे का जो पैनल है इसे निकाल लेना है। उसके बाद में दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले से निकाल लिया है, और यहाँ से आपको पेज खोल के उसके बाद यहाँ से खोलना है दोस्तों। वैसे तो मोबाइल यहाँ से ही खोलते हैं, मगर ये पीछे से पैनल हटाना पड़ता है हॉटगन की सहायता से, दिखाते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बैटरी निकालनी है। काफ़ी टाइट चिपकी होती है, यहाँ से दोस्तों ये कैमरा निकाल के रख देते हैं, क्योंकि फोल्डर निकालने में डैमेज हो। आपको क्या करना है दोस्तों, अगर फोल्डर की टच निकालते हैं तो आपको फोल्डर सही से निकालना है। अगर फोल्डर ही चेंज करना है दोस्तों, तो फोल्डर को कैसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाते हैं। इसका इसमें तो हम फोल्डर ही डालेंगे दोस्तों, तो फोल्डर कैसे भी निकाल दें। फोल्डर निकल चुका है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये साफ़ करना है इसकी कनोरी, जिससे फोल्डर प्रॉपर तरीके से बैठ जाए दोस्तों। यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी। ये साफ़ करने के बाद वीडियो फिर से स्टार्ट करेंगे, दिखाते हैं अभी आपको दोस्तों। ये साफ़ करने के बाद में आपको क्या करना है, इसे साफ़ करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, वो फोल्डर चेक करना है जो आप लेके आए, कि प्रॉपर वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ आपको क्या करना है दोस्तों, कोई एप्लीकेशन दबा के डिस्प्ले पे घुमा के देखना है, अगर जहाँ कहीं भी टच नॉट वर्किंग होगी वहाँ ऐप्स को छोड़ दे, मगर यहाँ प्रॉपर सही है दोस्तों। मैं फोल्डर चेक करके लाया हूँ, ये देखिए। अब आपको क्या करना है,
और ये देखिए दोस्तों Realme 2 Pro, इसका फोल्डर सफलतापूर्वक चेंज कर चुके हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई सेट आता है दोस्तों फोल्डर चेंज करने के लिए, तो आप इस मेथड से फोल्डर को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।